दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में अपने भाई को मद्य निषेध विभाग में सिपाही बनाने के लिए एक वाहन ने परीक्षा केंद्र के बाहर से वॉकी टॉकी के माध्यम से प्रश्न पत्र का उत्तर बताकर कदाचार करा रहे थे। यानी वाहन ना तो अपने भाई को सिपाही बना सके बल्कि भाई और वाहन दोनों जेल चले गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने दो मोबाइल, दो वॉकी टॉकी, एक ईयरफोन, एक कॉपी, एक बैग, एक ब्लूटूथ, दो बैटरी और एक वॉकी टॉकी का चार्जर बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर देवधा गांव निवासी कारू पासवान का पुत्र धर्मेंद्र कुमार एवं पुत्री हसीना कुमारी है, जबकि तीसरा युवक सौरभ कुमार है। बिहारशरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि रविवार को बिहारशरीफ स्थित सदर आलम मेमोरियल स्कूल कागजी मोहल्ला में केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आयोजित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सिपाही के पद पर बहाली हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। उसी दौरान बिहार थाना अध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि परीक्षा केंद्र के बाहर एक लड़का एवं एक लड़की के द्वारा वॉकी टॉकी से बातचीत कर परीक्षा केंद्र में कदाचार करवाया जा रहा है। सूचना के बाद बिहार थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में दारोगा संजीव कुमार, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार, मुरली मनोहर आजाद एवं सशस्त्र बल का एक टीम गठित किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लड़का सौरभ कुमार तथा एक लड़की हसीना कुमारी को हिरासत में लिया, जिसके पास से दो वॉकी टॉकी बरामद किया गया और दोनों परीक्षा केंद्र के बाहर से परीक्षा केंद्र के अंदर बैठे धर्मेंद्र कुमार एवं एक अन्य परीक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर बताकर कदाचार करा रहे थे। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से धर्मेंद्र कुमार का प्रवेश पत्र बरामद हुआ था। पुलिस ने सौरभ कुमार के पास से एक बैग बरामद किया, जिसमें अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। बिहारशरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली रोमानी ने बताया कि हसीना कुमारी के पास से बरामद मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करने पर जीआईसी नामक व्हाट्सएप ग्रुप मिला, जिस ग्रुप में अलग अलग नंबरों का कुल 39 मोबाइल नंबर ज्वाइन था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर परीक्षा में वॉकी टॉकी के माध्यम से चोरी कराने की बात स्वीकार की गई है तथा इस सेटिंग गिरोह के मुख्य सरगना विकास कुमार को बताया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह विकास कुमार कौन है, जिसके इशारे पर इस परीक्षा में सेंधमारी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों अभियुक्त को जेल भेजते हुए इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मद्य निषेध विभाग ही नहीं बल्कि कई विभागों के परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, बावजूद परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर परीक्षार्थी कैसे प्रवेश कर जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ा चूक है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र के बाहर वॉकी टॉकी के माध्यम से कैसे चोरी कराया जाता है, ये भी सवाल खड़ा होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।